नमस्कार, मैं हूं रुपेश और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बहुत से वीडियो में मेरा कमेंट आ रहा था कि चपरासी भर्ती की तैयारी कैसे करें, कौन से बुक से पढ़ें, तो उसके लिए खास तौर पर यह वीडियो बनाया हूं कि चपरासी भर्ती जो कि CGPSC प्यून भर्ती है ना, जो चप मंत्रालय यानी कि भर्ती से होनी है। सबसे पहले एग्जाम डेट की बारे तो 25 सितंबर 2022 को, यानी कि परीक्षा की तिथि आपकी होगी 25 सितंबर 2022 को। आज 15 जुलाई है, ठीक है, यानी कि आपके पास 2 माह है, ठीक है, 2 माह का समय है। तो आपको तैयारी कैसे करना है पूरी जानकारी मैं बताऊंगा, रणनीति क्या होगी, कौन से बुक से पढ़ना है, ठीक है, तैयारी कैसे करना है, कौन से बुक से पढ़ना है, आपको सिलेक्शन कैसे लेना है, इसकी तैयारी मैं आपको कराऊंगा और पूरी जानकारी इस वीडियो में। तब तक लिंक शेयर कर रहा हूँ, तब तक वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करके रख लीजिएगा। जो CGPSC प्यून भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पर यह वीडियो है। तो देखिए, यहाँ पर परीक्षा 2 चरणों में होगी, ठीक है, परीक्षा 2 चरणों में होगी, तो कौन कौन सा है देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को मैं सिलेबस बता देता हूँ, उसके बाद बुक बताऊँगा कि कौन से बुक से आपको तैयारी करना है, सिलेक्शन कैसे लेना है, ठीक है, इसके बाद रणनीति क्या होगी, टाइम टेबल क्या होगा, कैसे पढ़ना है, आपको पूरी जानकारी बताऊँगा। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी करना है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो परीक्षा 2 चरणों में होगी, प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगा, ठीक है, और द्वितीय चरण शुद्ध लेखन, यानी कि प्रथम चरण में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, और द्वितीय चरण में आपको इमला लिखना होगा। तो देखिए, भागवन कहता है आपका कि छत्तीसगढ़ एवं भारत का सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य गणित, छत्तीसगढ़ी भाषा, यानी कि समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा, 150 प्रश्न रहेगा, 150 अंक के होंगे, ठीक है। भागों में देखिए, शुद्ध लेखन यानी कि इमला आपका 50 नंबर का रहेगा, यानी कि कोई व्यक्ति आपको बोलेगा तो उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, शुद्ध लेखन, शुद्ध वर्तनी। अब विषय की बात करते हैं, तो विषय की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, भारत का सामान्य ज्ञान से आपका 40 नंबर का रहेगा, छत्तीसगढ़ से आपका 50 नंबर, यानी कि छत्तीसगढ़ नॉलेज यानी कि छत्तीसगढ़ बुक से आपका 50 नंबर का रहेगा, और भारत का सामान्य ज्ञान से 40, यानी कि इन दोनों को मिलाकर आपका 90 नंबर। यानी कि आपको कैसे तैयारी करना है, भारत का सामान्य ज्ञान यानी कि इस बुक के लिए आपको लूसेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, भारत का सामान्य ज्ञान के लूसेंट बुक पढ़ोगे, छत्तीसगढ़ के लिए हरिराम का बुक। मैं आपको बताऊंगा आगे कि कौन कौन से बुक से पढ़ना है, तो आपको इमेज भी दिखाऊंगा कि कौन से बुक से तैयारी करना है। तो सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं ना, तो ठीक है, यहाँ भारत के सामान्य ज्ञान से 40 नंबर पूछा जा रहा है और छत्तीसगढ़ से आपका 50 नंबर, छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज से, और छत्तीसगढ़ी भाषा से आपका 10 नंबर रहेगा, छत्तीसगढ़ी भाषा से 10 नंबर, ठीक है। वीडियो को आप एक लाइक करके जरूर रखें, वीडियो को एक लाइक करके जरूर रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जैसे ही आप वीडियो को लाइक करते हो तो आपको नोटिफिकेशन भेजा जाएगा, ठीक है, और जो वीडियो को सब्सक्राइब करेगा वही इस वीडियो में कमेंट कर सकता है, ओके। चलिए अब देखें, गणित की बात करें फिर अंग्रेजी की बात करते हैं, तो गणित का आपका रहेगा 20 नंबर से, यानी कि मैथमेटिक्स से आपका 20 नंबर रहेगा, अंग्रेजी भाषा यानी कि इंग्लिश से आपका 15 नंबर का रहेगा, और हिंदी से आपका 15 नंबर, यानी कि टोटल आपका, ठीक है, टोटल आपका 150 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो आपको किसकी तैयारी करना है, सबसे ज़्यादा आपको फोकस किस में करना है, तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज़्यादा फोकस आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, भारत का सामान्य ज्ञान से 40 नंबर और छत्तीसगढ़ से, यानी कि भारत का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, टोटल आपका 90 नंबर का हो रहा है, यानी कि आपको यहाँ से अच्छे तैयारी करना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ी भाषा तो आपको मिल ही जाएगा। मैं अभी आपको बुक बताऊँगा ना कौन से बुक से आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए, अब भागदौ में कहता है कि शुद्ध लेखन आपका इमला रहेगा 50 नंबर का, ठीक है, इसका मतलब होता है कि शब्दों को शुद्ध रूप में और क्रमवार लिखना होता है, अनुलेख के अनुसार किसी के द्वारा बोले गए शब्दों को शुद्ध वर्तनी के रूप में लिखे जाना, यानी कि आपको कोई सामने वाला बोलेगा तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, 50 नंबर का रहेगा भागदौ में, ओके। इसके बाद सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए अब एग्जाम तो दिला लोगे, उसके बाद सिलेक्शन कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, नोट करते जाइएगा ध्यान में। देखिए, कुल प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी, भारत का सामान्य ज्ञान से रहेगा भाग 40, भाग में 40 अंकों के कुल 50 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भाई यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपको PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे भूगोल से, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी, देखिए यहाँ पर 50 नंबर का पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन एवं छत्तीसगढ़ का योगदान। उसके बाद छत्तीसगढ़ के भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना,
मतलब स्टैटिक जीके आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ से। इसका मैं आपको बुक बता दूंगा, ये सब है इसका, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ व्याकरण से यानी कि छत्तीसगढ़ी भाषा से आपका 10 नंबर का रहेगा। इसके बाद बात करें यहाँ पर आपका हिंदी का यानी कि प्रश्न पत्र के इस भाग में 15 अंकों के कुल 10 प्रश्न होंगे जिसमें 15 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। आपको हिंदी किसकी कौन से बुक से तैयारी करना है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए इंग्लिश से, इंग्लिश से आपका 15 नंबर का रहेगा और कुल 20 प्रश्न होंगे, ठीक है। 15 नंबर के कुल 20 प्रश्न होंगे, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश का रहेगा, उसके बाद गणित का यानी कि सामान्य गणित, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, अच्छा तरीका से। यहाँ से आपको 20 नंबर कैसे पूछा जाता है मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर भाग में 20 अंकों के कुल 20 प्रश्न होंगे, कितना होगा, 20 अंकों के कुल 20 प्रश्न होंगे 30 अंक के लिए, तो ठीक है। यहाँ पर देखेंगे जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से चपरासी भर्ती यानी कि मैथ्स क्लास के लिए 8वीं लेवल का होगा, यानी कि जैसे कि देखिए अब 8वीं लेवल का होगा माना जाएगा, तो यहाँ पर कैसे तैयारी करना है, लाभ हानि से, ब्याज अनुपात, लंबाई चौड़ाई, क्षेत्रफल, धन वर्ग, घनाभ, बीजगणित, गुना भाग रहेगा, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक रहेगा, औसत से रहेगा, प्रतिशत रहेगा, चाल समय दूरी और संबंधित प्रश्न रहेंगे। यानी आपको 8वीं लेवल के पूछा जा रहा है तो आपको गणित ज़्यादा उतना कठिन नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सरल क्वेश्चन आएगा, इसकी तैयारी कैसे करना है मैं बताऊँगा। और हमारे यूट्यूब चैनल पर चपरासी भर्ती की तैयारी 20 जुलाई से कराया जाएगा, ठीक है, 20 जुलाई से कराया जाएगा चपरासी भर्ती की तैयारी, तो गणित से क्लास रहेगा, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखना कि प्रथम चरण भाग वन में वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे जिसमें छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रथम चरण परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से मेरिट के आधार पर 5 गुना अभ्यर्थियों को, और द्वितीय चरण में परीक्षा की शुद्ध लेखन के हेतु, देखिए यहाँ पर द्वितीय चरण में जो भाग दो में शुद्ध लेखन होगा इमली यानी कि हिंदी में ही ली जाएगी, और जो मेरिट सूची में आएगा उसको 5 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा, ठीक है। अब भारत के सामान्य ज्ञान, देखिए अब बुक के बाद बताऊंगा, ठीक है। ये भारत के सामान्य ज्ञान जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है, यहाँ पर NCERT पर आधारित है। इसको अब अच्छे तरीका से पढ़ लीजिएगा, इसको बुक को खरीद लीजिएगा, ठीक है। भारत के सामान्य ज्ञान के लिए बूस्ट बैक है, इसका सेकंड पेज देख लीजिएगा, इस प्रकार रहेगा, ठीक है। प्राचीन भारत का इतिहास रहेगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास रहेगा, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, आधुनिक भारत का इतिहास, है ना, ऐसे ही सब रहेगा। चाहे तो आप इस बुक से तैयारी कर सकते हैं, लूसेंट से सामान्य ज्ञान से, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं, या फिर प्रतियोगिता सारांश से सामान्य ज्ञान का रहेगा संपूर्ण अध्ययन, ठीक है, या इसको खरीद सकते हैं, या फिर तीनों में से कोई एक बुक खरीद लेना। मेरे हिसाब से बेहतर ये वाला रहेगा लूसेंट से, ठीक है, सामान्य ज्ञान से। इसके बाद बात करेंगे सामान्य हिंदी की, तो सामान्य हिंदी का आपको 15 नंबर के पूछे जाएंगे हिंदी ग्रामर के लिए, तो लूसेंट से आप खरीद लीजिएगा या फिर हरिराम पटेल से, ठीक है, दोनों में से कोई एक बुक रिफ़र करिएगा, ठीक है। दोनों आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, बल्कि आप दोनों में से एक को कवर कर सकते हैं। अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो हरिराम बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन लूसेंट में अगर हिंदी की तैयारी अच्छा से करना है तो आपको कर सकते हैं, ठीक है, सामान्य ज्ञान हिंदी से। इसके बाद ये वाला सामान्य इंग्लिश आपका 15 नंबर का रहेगा, इंग्लिश ग्रामर का लूसेंट का आता है हाई स्कूल से, ठीक है, जो लूसेंट का रहेगा, या फिर ये इस बुक से तैयारी कर सकते हैं, ये वाला कंपटीशन एकेडमी, ठीक है, इंग्लिश का रहेगा। इसके बाद देखेंगे कि सामान्य गणित से, सामान्य गणित से एक बार नोट कीजिएगा इस बुक को, गणित से, ठीक है, नवीन अंक गणित यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेस्ट बुक है। इसके बाद बात करें तो मैथमेटिक्स के लिए SD यादव, ठीक है, ये वाला सेकंड नंबर का, ये SD यादव का है बुक है, ठीक है, SD यादव का हो गया है, और ये नवीन अंक गणित, ठीक है। आप दोनों में से एक बुक ले सकते हो, दोनों मत लेना, ठीक है, आप एक बुक लेके तैयारी करना है, ठीक है। यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे और अच्छे से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो छत्तीसगढ़ी भाषा यानी कि देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाषा से 20 नंबर का रहेगा, तो छत्तीसगढ़ी भाषा का देखिए संपूर्ण व्याकरण के लिए छत्तीसगढ़ व्याकरण की मानक मार्गदर्शिका यानी कि विनय कुमार पाठक का आप बुक रिफ़र कर सकते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा के संपूर्ण व्याकरण के लिए। यहाँ से आपके 20 में कम से कम 18 नंबर आपका बन ही जाएगा, ठीक है। यह बुक इस प्रकार आपको दिखाई देगा, ठीक है, इसको आप खरीद लेना, छत्तीसगढ़ी भाषा से 20 नंबर का पूछा जाएगा,
और इस प्रकार के बुक देखिए आपको टोटल मैं आपको बता दिया हूँ 150 नंबर का सिलेबस बता दिया हूँ और कौन कौन से बुक से तैयारी करना है, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इसके बाद देखिए हमारे YouTube चैनल पर CGPSC की भर्ती 2022 का नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है 17 जुलाई से। परीक्षा की तिथि की बात करें तो 25 सितंबर 2022 को परीक्षा होगी चपरासी भर्ती की, ठीक है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा वीडियो को, 17 जुलाई से हमारे YouTube चैनल पर प्रारंभ होने जा रहा है। इसके बाद बात करें तो देखिए चपरासी भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि डेली आपको 30-30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके सिलेक्शन कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। परीक्षा की तिथि की बात करें तो 25 सितंबर 2022 को होगी, यानी कि आपको आपके पास 2 माह है, ठीक है, 2 महीने हैं। तो 2 महीने आपको कैसे तैयारी करना है पूरी जानकारी मैं आपको बता दिया हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि चपरासी भर्ती में कितने लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो उसके आप उसके इंतज़ार कर सकते हैं। जैसे ही मैं उसकी जानकारी